जिला के झंडा चौक स्थित छोटे व्यवसायियों की दुकानों को नगर पालिका प्रशासन ने कोर्ट से मिले आदेश के बाद हटाने के निर्देश दिए हैं। बड़वानी नगर पालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ने बताया कि कोर्ट से मिले आदेश पर व्यस्ततम मार्ग झंडा चौक से दुकानें हटाने को लेकर 8 दिन पूर्व नोटिस जारी कर दिए गए थे। दुकानों को तिरछी पुलिया के पास शिफ्ट करने के लिए भी कह दिया था। सीएमओ ने बताया कि झंडा चौक शहर का व्यस्ततम मार्ग है। सीएमओ ने बताया कि इन दुकानों को हटाने के आदेश 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे। वहीं दुकानदार उमाशंकर सेन का कहना है कि हमारी मांग है कि नगर निगम हमें लिखित में आश्वासन दे। उमाकांत सेन ने कहा कि दुकान स्थानांतरित करने पर रोजगार पर गहरा असर पड़ेगा और परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के 2015 में एक आदेश हुआ था कि झंडा चौक में कोई निजी जमीन के बाहर लगभग 12 घुमटे लगी थी, उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद घुमटी वाले भी कुछ न्यायालय में गए थे, तो न्यायालय के निर्देश थे कि इन्हें व्यवस्थित कहीं व्यवस्थापित किया जाए। उसी क्रम में इन्हें सूचना पत्र देकर स्थान भी इन्हें उपलब्ध करा दिया था कि इस स्थान पर बैठे हैं। चूँकि उन्हें वो स्थान व्यवस्थित नहीं लगा, तो इन्होंने अपने हिसाब से स्थान तय किए, जिसे नगर पालिका ने आज उन्हें स्वीकृति दी। उसी क्रम में ये दुकानें कुछ स्वेच्छा से हटा रहे हैं। सर, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें तिरछी पुलिया पर जगह दी गई है, चूँकि वो नगर पालिका की नहीं, नजूल की जमीन है। नजूल नगर पालिका दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का खेतिया नगर प्रदेश का अंतिम नगर है। खेतिया से होकर ही महाराष्ट्र और गुजरात में अंतरप्रांतीय परिवहन होता है, लेकिन यहां आने जाने वाली बसों के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। खेतिया शहर में केवल एक पुराना बस स्टैंड मौजूद है, लेकिन यहाँ पहुंचने के रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं, जिस कारण स्टैंड से बसें नहीं निकल पाती। पुराने बस स्टैंड पर कोई यात्री प्रतीक्षालय भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से वहां बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मियों में यात्री सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। खेतिया में एक बस स्टैंड की सख्त जरूरत है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहन अलावा से बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अस्थायी तौर पर बस स्टैंड पर शेड बनाकर यात्रियों हेतु व्यवस्था करवाई जाएगी। अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग अस्थायी रूप से अभी वर्तमान में व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति शासन से भी हम प्रस्तावित करेंगे, क्योंकि हमारे खेतिया शहर से महाराष्ट्र से लगा है, तो आवागमन गुजरात महाराष्ट्र की बसें का आवागमन होने से देखा गया है। लेकिन हम लोग अभी अस्थायी आने जाने के जो बसों का टाइम का भी निर्धारित करवाएंगे, फिर अतिशीघ्र व्यवस्था करवाएंगे। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक जिम ट्रेनर द्वारा एक्सरसाइज करने आए युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने जिम संचालक सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर। प्राप्त जानकारी के अनुसार आइकॉन जिम के ट्रेनर आयुष और एक्सरसाइज करने आए युवक सत्यम त्रिपाठी के बीच डंबल रखने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बीच ही ट्रेनर आयुष ने डंबल से सत्यम की पिटाई कर दी। जिम में आए अन्य लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया एवं वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा गया। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादी की शिकायत पर जिम ओनर और ट्रेनर पर मामला दर्ज किया गया है। जी, कल शाम को एक आइकॉन जिम है भोरकुआ थाना क्षेत्र में, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा जिम के ओनर से और वहां के जो पदस्थ कर्मचारी है उनसे जिम में डंबल्स रखने की बात पर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के बाद में शिकायत पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह की अगुवाई में आज पुलिस द्वारा गोगावा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के गढ़ कहे जाने वाले सिग्नूर गांव में बड़ी दबिश दी गई है। पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन के अंदर से भी अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। दरअसल रविवार को गोगावा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने एसपी धर्मवीर सिंह की अगुवाई में आरोपी बंटी सिकलीकर को साथ में लेकर सिग्नूर में दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस को अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण मिले। वहीं मेटल डिटेक्टर की मदद से जब पुलिस ने आसपास की जगह की जांच की तो जमीन के अंदर से 10 देसी पिस्टल बरामद हुई। देखिए, ये गोगामा थाने का सिग्नूर गांव है, इस पे ज़्यादातर लोग सिकलीगर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पिछले दिनों जो इंटरस्टेट इलीगल आर्म्स का रैकेट पकड़ा था, उसमें ये पता लगा था कि इस गांव का
बंटी सिकलीगर इलीगल आर्म्स बनाता भी है और सप्लाई भी करते हैं। तो बंटी सिकलीगर की गिरफ्तारी की गई और बंटी सिकलीगर की गिरफ्तारी के बाद उसने जो रिवील किया है, उसने बताया है कि यहाँ पे वो लोकल औजारों का उपयोग करके इलीगल आर्म्स बनाते हैं जिसमें कुछ कट्टे भी हैं, पिस्टल्स हैं। तो आज उसको पुलिस रिमांड पर लेके उसने जिन जिन स्पॉट्स पे हथियारों का छुपाना बताया था वहाँ पे BDDS टीम की मेटल डिटेक्टर टीम के साथ में और हमारे पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ में ये पूरे एरिया की उसकी बताए अनुसार तलाशी ली गई। कई स्थानों पे मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया गया और उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जब वहाँ खुदाई की गई तो बड़ी संख्या में जो अवैध हथियार बनाने में उपयोग करने वाले उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं, ग्राइंडर हैं, काफ़ी औजार इसमें बरामद हुए हैं।